हाँ अच्छा मुस्तफा कुरैशी साहब, आपकी याद इससे वाबस्ता है, रीच से। ये रीच का क्या किस्सा है भाई, ये क्या हुआ था, ये क्या रीच वीच था किसी फिल्म में, क्या चक्कर मैंने था? फिल्मों में हाँ शेर से भी फाइट की है ओ और रीछों से भी की है हाँ, और सांपों से भी की है। अरे बाप रे, तो रीच का जब आपने ये दिखाया तो उसके मेरी एक फिल्म थी, असलम डार साहब डायरेक्टर थे, बागी, अच्छा बागी सिपाही या बागी। तो उसमें सीन था कि सुल्तान राई को मैं छोड़ देता हूँ, मेरे कैद में है, हाँ मैं उसे छोड़ देता हूँ, जंगल में मैं रहता हूँ, अच्छा वो निकल जाता है। तो मैंने उसे चैलेंज किया है कि तू निकल जा, लेकिन मेरा मेरी जो हद है हाँ उससे पहले मैं तुझ तक पहुँच जाऊँगा, निकलने नहीं दूंगा, उसको छोड़ देता हूँ। तो वो निकलता है, भागता है, और मैं बड़े आराम से लॉन्ग शूज पहन रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कि मुझे, मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये पूरा कि स्क्रीन पे है फिल्म का। हाँ ये अच्छा ट्रीटमेंट है। अच्छा जब मैं जंगल में घोड़े पे गुजरता हूँ तो रीछ पड़ जाती है। अच्छा अच्छा, वो रीछों वाला जो सीक्वेंस था हाँ, तो डायरेक्टर ने दो रीछ, वो अरेंज किए होंगे मदारियों के होते हैं ना, जी 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 वो बुला लिए। जैसे अभी ये आपने दिखाया ना, हाँ तो उसके अभी नकेल पड़ी हुई थी, जी, रीच की ये अभी हाँ मैंने देखा। हाँ तो वो चूंकि मदारियों के थे, जी जी फालतू थे, तो हाँ नकेल डालते होते हैं। ठीक है तो कहने लगे जी ये दो रीच है, और बाकी चार फाइटर्स थे अच्छा उनको रीछों की वो खाल पहना दी थी। अच्छा अच्छा सही है, तो चार जो है वो इंसानों को खाल पहना दी थी और दो दो असली के थे, असली के थे, फिर असली। तो मैंने कहा भाई डायरेक्टर कहा जी अब ये जो असली है ना उसके साथ आपने, तो असली के मैंने, साथ हाँ लड़ना है। तो मैंने उस मदारी से कहा, मैंने कहा दी नकल निकालो, नकेल हाँ हाँ जो ये, क्योंकि जंगल का है ना उसमें ये तो हाँ नहीं होगी। वो फिर फिल्म में बंद हो तो जाएगा। उसने वो जैसे ही निकाली तो हाँ रीच उस पर पड़ गया, अरे बाप रे उसका मालिक जो था उस पर पड़ गया। मैंने हाँ कहा अब ये जब तुम पर पड़ गया है तो मेरा क्या असर करेगा। बहरहाल फिर ये तय हुआ कि जो ओरिजिनल है ये दूर दूर रहेंगे, अच्छा दूर दूर रहेंगे, और जो वो फाइटर्स हैं हाँ वो करीब रहेंगे उनसे मैं। ओ तो जब शॉट, लॉन्ग शॉट हुआ ना, उसमें हाँ सारा फ्रेम में था, तो मैं उनसे लड़ते लड़ते एक मुझे ऐसा पड़ा ना, हुक्का मैं ठा जाके यूं गिरा। तो मैं उठा, मैंने कहा तेरी, वो फाइटर को मैंने गाली देकर, तो मैंने कहा तू, मैंने सचमुच मार दिया। हाँ कहने लगे साहब जी आप ओरिजिनल के पास चले गए थे। आप वो जो सचमुच था आप उसके पास चले गए थे। अरे क्योंकि लॉन्ग शॉट था समय पता भी नहीं चल रहा था नहीं चल रहा था, तो वो माय लगा। गॉड जबरदस्त भाई, एक तो ये यादगार। हुआ। नहीं अगला किस्से के, फिर मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगी, अगले हाँ किस्से के लिए तस्वीर दिखाऊंगी। अब दिखाएं अगला, अगली तस्वीर दिखाएं। ये इस किस्से की बात क्या है, ये कुत्ता, ये किसका किस्सा है? अच्छा ये भी आपका ही है, ये कुत्ते का किस्सा है, ये क्या ये है है? कि जब मैट्रिक का इम्तिहान था, ये फिल्म अच्छा से आने से पहले था, जी 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 अब कल पेपर था हमारा, हाँ तो मैं एक दोस्त के पास, हम सुबह की तैयारी कर रहे थे, अच्छा तो रात को 2:30 बजे फिर हाँ मैं जब घर आ रहा था जी तो जी गली, मैं कुत्तों से बड़ा डरता था, अच्छा यार शेरों से लड़ा, रीछों से लड़ा, लेकिन कुत्तों से डर, अब कुत्तों भी डरता हूँ। तो एक तो कुत्तों से और फिर वो इंसान जो कुत्ते नुमा है उनसे हाँ भी बहुत डर लगता है। वो तो ज्यादा खतरनाक तो होते वो हैं ज्यादा था। फिर अच्छा, तो जब मैं गली में अपने घर की तरफ जाने लगा तो दूर से देखा, अंधेरा सा था, हाँ कि कुत्ता खड़ा है। फिर मैं वहीं खड़ा हो गया, मैं गुजर नहीं रहा था हाँ और इंतजार कर रहा था कि कोई गुजरे तो उसके साथ साथ मैं निकलूं। तो कोई नहीं गुजर रहा था, रात के 2:30 बजे थे। हाँ जब सुबह तक मैं, सुबह की जब रोशनी, सूरज तुलू हुआ, रोशनी आप खड़े हुई, रहे वहीं गली में, खड़े खड़ा रहा। बुढ़े बाप रे तो पहला बंदा जो वहां से आया गुजरा हाँ वो दूध वाला था, अच्छा वो साइकिल पे जो डब्बे दूध के रखते हैं ना वो, तो मैं फिर उसके साथ साथ हो लिया। जब करीब हुआ तो वो बकरी थी,
पूरी रात जिसको आप ये डरते रहे वो बकरी ने आपको पूरी अब मैं आपसे भी किस्से सुनना चाहूंगी. आइए दिखाते जरे कौन सी ऑब्जेक्ट ऐसा है जिससे याद आएगा कि क्या किस्सा है. दिखाओ भाई ऑन स्क्रीन. हाँ फ्रीज हुआ हुआ आदमी है कोई शायद वो नहीं. अक्सर आप सिक्के मांग रहे होते हैं लोग जब हम ये स्टार्ट में एक सीरियल थी भंवर. जी जी. तो उसमें मैं एसएसपी बना हुआ था. अच्छा. तो पहला पहला सीरियल कर रहे थे. हाँ. तो उसमें साइड पे वो राइटर लिखता है ना कि जी ये सीन है स्टार्ट होगा और यहाँ एंड. स्क्रीन पे सारा लिखा हुआ था. तो उसमें लिखा था कि जी ये जब सीन खत्म होगा तो एसएसपी फ्रीज हो जाएगा. अच्छा. तो अब मेरा ना एक्शन हो गया सीन में कर रहा हूँ बात बात करने के बाद उसके बाद अचानक मतलब जब सीन खत्म हो गया तो मैंने कहा मैंने तो फ्रीज होना है. तो वो जब सीन खत्म हुआ मैं वहीं फ्रीज खड़ा था. तो डायरेक्टर कह रहा है यार आगे चल आगे चल. मैं कहा मैं तो फ्रीज हाँ. Oh my God, this is hilarious. ये तो ब्लूपर्स में होनी चाहिए चीजें. अगर आजकल का जमाना होता तो आपको ब्लूपर्स में नजर आती. ओके जी. इस सहरी और रोजा अवतार इसका ही कुछ सिनेरियो लग रहा है मुझे. इससे क्या याद है आपकी. नबील जो बुलबुले में माशाल्लाह हम लोग भाइयों की तरह. हाँ. लाहौर में जब मैं आया नया नया तो नबील के साथ ठहरा हुआ. अच्छा. तो सर्दियां थी तो रात को हमने कहा जी एक फिल्म देखी. उसके बाद हमने कहा यार सहरी करेंगे. हाँ. नमाज पढ़ के सोएंगे. हाँ. तो पहले नहीं सोएंगे. ठीक है जी हो गया. हाँ. फिल्म देख ली सहरी कर ली नमाज पढ़ी और सो गए. अचानक दरवाजा खटक रहा है धक 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 धक. उठे हमने डर के क्या हुआ कौन. उनका भाई अफ्तार हो गई रोजा अफ्तार पर सब सोए हुए थे. ओ माय गॉड. वैसे बहुत सारे लोग कोरोना के टाइम्स में तो ऐसे ही किया है क्योंकि सब कुछ बंद था. बंद से सोए वो तो सो के अफ्तार पे उठते थे और रोजा खोलते थे.